हेलो इंडिया, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने और ये खड़ा है अपना ब्लैक बर्ड। आप देख ही सकते हो कि पूरा जो मैंने सामान सारा बांध दिया है, ये मैंने बांधा है टेंट, बैग, मैट और स्लीपिंग बैग। और ये बड़ा अपना हेलमेट, सो बनाते गए टूर, मतलब कि मेरा बन रहा मंडी साइड का और चलते घूमने। क्योंकि वृंदावन के आने के बाद मैं ज़रा मतलब बाहर को नहीं गया, घर में मतलब कि बारिश लगती रही। अभी मौसम थोड़ा बहुत वैसे तो ख़राब ही है, ऊपर बादल देख ही सकते हो, लेकिन चलो मतलब कि क्या करें, घर में भी क्या करना। थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा सा हिमाचल जो एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम उठ गए हैं ऑन द वे मंडी के लिए और आप देख सकते हैं कि मैं एनएच के ऊपर आ गया हूँ अपने ब्लैक बर्ड के ऊपर। ये जो मेरी फर्स्ट राइड है जो मैं अपने ब्लैक बर्ड के ऊपर कर रहा हूँ, मतलब कि ज़िंदगी की मेरी फर्स्ट राइड होगी बाइक के ऊपर की। मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, मंडी तो वैसे बोलने को छोटा है मतलब कि, लेकिन मेरे लिए तो भी बड़ी बात है क्योंकि मैं जो वो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो छोटी छोटी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं मतलब अपनी ज़िंदगी में। हाँ जी, एकदम याद है क्योंकि फोर लाइन का काम लग रहा है ना इधर। तो सारे जो पेड़ वगैरह, ये तो पेड़ काट रहे हैं, इधर सारे घर उड़ जा रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। अभी इन्होंने साइड में रुका दिए, वो देखो भाई कितना बड़ा पेड़ एकदम से ये। ओ मेरे भाई, इतना बड़ा पेड़ था भाई, ये इन्होंने उड़ फाड़ दिया है। आगे मैंने भी डलवा लिया पेट्रोल क्योंकि अपने टैंक की जो अभी खाली चल रही है, अभी मैं जो वो रिजर्व के ऊपर चला हुआ हूँ, डलवा दे पेट्रोल भी, टैंकी करवाते हैं फुल। Guys, there is Rangas. ये पहुंच गया रंगस के पुल के ऊपर। अभी मैंने जो वो पेट्रोल ले लो है, मेरे को जैसे लग रहा है कि बुलेट बंद ही ना हो जाए, कह सकते हैं ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को क्योंकि मैं चला हूँ अभी रिजर्व के ऊपर। Guys, ये रहा पेट्रोल पंप, इधर करवाते हैं टैंक फुल फुल कर देंगे। तो गाइस हमारा जो है वो पेट्रोल डला 1330 रुपये का, मतलब फुल टैंक जो बने करवा दिया है। अब हमको टेंशन नहीं है मतलब कि पेट्रोल पेट्रोल डलवाने की, जब पेट्रोल जो है थोड़ा रह जाएगा तभी डलवाएंगे हम। तो गाइस अभी मैं हमीरपुर भी नहीं पहुंचा, कम से कम अभी हमीरपुर से मैं 2 किलोमीटर पीछे हूँ और मेरा जो बस सामान खुल गया जिसकी रस्सी थी वो देख सकते हो अब ढीली हो गई। चलो दोबारा से अब इसको बांधना पड़ेगा दोबारा से। सो गाइस आप देख सकते हो कि सारा सामान अब जो मैंने अच्छे से बांध दिया है अब नहीं हिलेगा भाई, ये इतनी तो मेरी गारंटी है। क्यों कम से कम मैंने 10-15 मिनट जो है वो लगा के अभी इसको बांधा। और जो बैग था वो मैंने अभी बैग पे ले लिए क्योंकि बैग की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। चलो चलते हैं, अब कम से कम ये अभी दिक्कत होने देगा। सो अभी जो है हम वो हमीरपुर के बाज़ार में पहुंच चुके हैं। ये रहा हमीरपुर का बाज़ार, अभी आ जाएगा आगे बस स्टैंड। वैसे तो पीछे से बाईपास भी था ना, लेकिन मैं बाईपास से नहीं गया क्योंकि आके मेरे को दीदी के पास जाना है, दीदी को देते सरप्राइज दी। और देखो गाइस मैं चला हुआ हूँ, साहिल लिखा है इसके ऊपर। मैं नहीं चला रहा हूँ अभी बाइक, मेरा बू चला रहा है। मैं तो क्या बोला तूने, स्कूटी के ऊपर चला हुआ हूँ, वो देखो पीछे बैठा हुआ साहिल। अच्छा और ये अभी आ गई, आ जाएगी दीदी की शॉप,
दीदी जो वो फ्रूट और सब्जी की शॉप करते हैं, लेकिन पता नहीं भी शॉप के ऊपर होंगे भी नहीं होंगे। पहले तो इधर होता था क्वार्टर, लेकिन अब आगे है ये शायद सामने। केले देने दर्जन, केले देने एक दर्जन। पहचाना नहीं अभी इन्होंने मेरे को शायद से। बढ़िया से दे दो कोई। गूगल पे हो जाएगा, गूगल पे कर देते हैं। अभी इन्होंने मेरे को पहचाना नहीं अभी तक, देख ही सकते हो आप कितने सीरियस मोड के ऊपर है ये। लेकिन एक सेकंड मैं बोले था ने प्रैंक ही करिए, एकदम सरप्राइज ही दिए। तो गाइस दीदी को इधर मोटे सरप्राइज मिल गए, मतलब कि शौक हो गई थी दीदी मोटे तरीके से कि एकदम से कहाँ से आके। मैंने दीदी को बोला कि दर्जन डालो अकेले, दीदी खज्जल। दीदी बोलने लगेगी और मैं पूछने लगी कि आप ब्लॉगर तो नहीं हो गई। उतने में मैंने बोल दिया दीदी को कि आपने पहचाना मेरे को, बोलते नहीं। और भाई जैसे मैंने जो वो हेलमेट का शीशा ऊपर को करा, दीदी खजल हो बच्चा तू कहाँ से आ गए एकदम से ही। सो गाइस आप सामने देखो ये है संतोषी माता का मंदिर लदौर में, और मेरे हिसाब से ये जो है वो ओल्डेस्ट मंदिर होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चौक के ऊपर मंदिर है। मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवाता हूँ चलते चलते ही। तो हमने जाना है इस साइड को मंदिर के लेफ्ट साइड, मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है ये संतोषी माता का। कभी भी आओ आओ मतलब दौड़ तो इधर ज़रूर से माथा टेको, चाहे चलते चलते टेको, लेकिन ज़रूर इधर जो अपना सर झुकाओ, आपके पूरे जो मन्नतें हैं वो पूरी होगी। सो गाइस मंडी रह गया 50 नेर चौक, 35 रिवाज सर, 36। अभी मैं जाने लगा सीधा चाहू को एकदम से इधर सीधे ही, शुक्र है बोर्ड देखे, फिर दोबारा से पीछे आया मैं और देखा बोर्ड को तो इस साइड को था। चलो चलते हैं राइट साइड को, जाना मैं लेफ्ट साइड को चल पड़ा था। अच्छा तो देखो कैसे चला हुआ है रोड के बीच में, और हंस रहे हैं सारे देख लेने के, अगर आपको दिख रहे होंगे तो हाय कर लेंगे। तो अभी 50-60 किलोमीटर चलने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो बैक में पेन होने लग पड़ा था। और मेरे को ये भाई लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मस्त लगी इधर की, तो सोचा इस लोकेशन को थोड़ा सा निहारे, थोड़ा सा सुकून ले इधर, और फिर अपनी डेस्टिनेशन के पास चलते आगे को, क्योंकि अब हमारा सामान है जो वो अच्छे से बन चुका है, अब तो टेंशन नहीं है, अब नहीं गिरेगा भाई ये कहीं भी। तब से मतलब कहीं भी मतलब खिसका वगैरह नहीं, और जो बैग है मैंने वो पीठ के ऊपर उठाया है, तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। मतलब पहले टेंशन हो रही थी कि मतलब बार बार गिर रहा था, तो अब तो मैंने इसे बांध दिया है, अब सीधा जाके रुकूंगा अब मैं रिवाल्सर में। तो चलते हैं फिर आगे को। तो गाइस मैंने इधर एक बार नोटिस करी कि इधर ना बंदे मतलब ठीक मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि मेरे को हर एक मोड़ के ऊपर मतलब जो है वो मोटो ब्लॉगर दिख रहा है, जिसने हेलमेट के आगे जो है वो फ़ोन लगाया हुआ है या गोप्रो लगाया हुआ है। तो सही है, मतलब जो हमारा नदो है ना उस साइड, मतलब मैंने अभी तक कोई भी नहीं देखा, तो इधर मतलब ठीक क्रेज है मोटो ब्लॉगिंग का, अच्छी बात है भाई क्रेज। सो गाइस ये है अभी कलखर में पहुँच गया हूँ मैं, और ये मैंने रोड पकड़ा रिवाल्सर वाला, एकदम से मेरे को बोर्ड दिखा और मैं टर्न हो गया साइड को, लेकिन ये रोड तो बहुत ज़्यादा लिंक है, चाचा से पूछ रहा हूँ साइड को। रिवाल्सर लेक जो रिवाल्सर जो ही गया जड़ा लेक है,
4 किलोमीटर ठीक। पूरे रोड की बुरी हालत है कसम से, इधर पूरे रोड देखो से चिक्कड़ ही चिक्कड़ और गड्ढे ही गड्ढे। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ हो रही थी इस रोड से, लेकिन ये तो मतलब उसका 10% निकला। मैं तो सोचता हूँ बढ़िया रोड होगा, फिलहाल तो लेक चलते हैं, मैं तो सीधा मंडी जा रहा था, ऐसे मैंने रिस्क ले लिया। लेकिन रिस्क भी जरूरी है, मैंने रिस्क चलता ही गया है, गाड़ियाँ जा तो रही, लेकिन गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होती मेरा। दिक्कत होती है जैसे बंदों को जब गाड़ियाँ चलती ना जैसे रोड के ऊपर, तो इससे उड़ के धूल, और धूल सीधा ही आती है हमारे ऊपर, तो हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। कंडीशन देखो आप, कंडीशन इस रोड की ऐसे निकालूंगा इधर कसम से, बस गिर कर ना जाऊं भी। ट्रैफिक हो गया इधर जाम, बड़ी मुशक्कत के बाद जाम जो वो खुल चुका है, आगे ना मिले बस जाम। और मेरे को मतलब कि एक बात हमेशा रिलाइज होती है ज़िंदगी में ना, कि कोई भी चीज़ हो ना वो आसानी से नहीं मिलती है, बड़ी मुशक्कतों के बाद उसको हासिल करना पड़ता है। क्योंकि मेरे को क्या पता था कि मतलब ये जो वो ऑफ रोड होगा, अभी आया इधर तभी लगा पता मेरे हिसाब से तो एन एच बढ़िया होगा, और देखा आगे तो ये एन एच से, और देखा आगे तो ये एन एच से भी बड़ा कैम रोड है, देख ही सकते हो आप अभी। सो भाई ऑफ रोडिंग से देखो कितनी बुरी हालत होगी, नीचे कीचड़ कीचड़ लग गया, और ये देखो मेरे जूतों की और पजामे की हालत। लेकिन ये सामने आप स्टैचू, आपको स्टैचू देख रहे हैं ना, इससे पूरी जो वो थकान वगैरह और कुछ नियम नज़र आ रहा है, बस ये नज़र आ रहा है। अब जाएंगे हम उधर को, चलो चलते हैं फिर। सो गाइज मेरी वालसर के जो वो गुरुद्वारा में पहुंच गया हूँ, कसम से इधर से भाई ब्यूटी, पहाड़ ऊपर से सामने स्टैचू, व्यू चेक करवाता हूँ पहले आपको मैं, फिर आप बताने की मतलब व्यू कितने ऑसम लग रहे इधर से। भाई ये व्यू चेक करो, क्या ये व्यू आ रहा है अभी सामने, ये जो स्टैचू वो है पद्म संभव जी का, और ये नीचे जो वो रिवालसर लेक, और अभी मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारा के ऊपर, और ये वादियाँ, हाय कितना मतलब मौसम इधर से व्यू आ रहा है अभी, बहुत ही ज़्यादा पीस और सुकून मिल रहा है अभी इधर से। सो गाइज ये वाला ब्लॉग था यहीं तक, और आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल वाला ब्लॉग जो आएगा वो आएगा रिवालसर से रिलेटेड, क्योंकि कल मैं जो पूरे के पूरे इधर के मंदिर घूमूंगा और आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। सो जिस किसी ने वो वाला ब्लॉग देखना हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड शुभ रात्रि।